चलिए आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने मूर्खों का सरदार किसे कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, पीछे की कहानी क्या है और कांग्रेस का क्या जवाब आया, ये पूरी कहानी अब हम आपको बताएंगे। अरे मूर्खों के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं, उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। बौखलाए हुए देश की प्रधानमंत्री जी की जुबान से भद्दे भाषा निकलने लगी। और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। देखिए, प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, मूर्खों का सरदार कहा। प्रधानमंत्री ने किसको कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, मैं पूरी कहानी बताता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी का नाम तो नहीं लिया, जो बयान था प्रधानमंत्री का। लेकिन उनके बयान को राहुल गांधी के एक बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मुझे गाली देते हैं पीएम और ये सारी चीजें। और उनके जिस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के हरदा में एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर मोबाइल फोन मेड इन चाइना है। वो चाहते हैं कि आने वाले समय में लोगों के हाथ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन हो, उनमें मेड इन मध्य प्रदेश लिखा हो। और इस बात का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में बैतूल की रैली में दिया, नाम नहीं लिया। सबसे पहले आप ये दोनों बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के चक्कर में कितनी बड़ी सियासी भूल कर दी और उनके मेड इन चाइना वाले दावे में कितना दम है, बताएंगे फैक्ट्स। मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं, उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। देखिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे देश में जो मोबाइल फोन इस्तेमाल होते हैं वो मेड इन चाइना है ज्यादातर। अब राहुल गांधी के इस दावे में कितना दम है, कितना फैक्ट है, क्या वाकई राहुल गांधी को भारत की उपलब्धियां नजर नहीं आती जैसा प्रधानमंत्री ने बोला, उसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जिसके बाद आपको पता लगेगा कि सच्चाई है क्या। जो आंकड़े हैं वो नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की तरफ से ही जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक, अब सुनिए एक एक आंकड़े। 2023 में भारत में भारतीय बाजार में बिकने वाले लगभग 100% मोबाइल, कितने, 100%, 2023 में भारतीय बाजार में बिकने वाले लगभग 100% मोबाइल मेड इन इंडिया थे। मेड इन इंडिया यानी कि इस साल भारत में जितने भी मोबाइल बेचे गए, भारत में करीब करीब वो सभी मोबाइल भारत में ही बने, मेड इन इंडिया, मतलब मेड इन इंडिया, ना कि मेड इन चाइना। अब इससे पहले ये 2023 का आंकड़ा, इससे पहले 2022 में ये आंकड़ा 98% था, यानी कि 2022 में भारत में बेचे गए हर 100 में से 98 मोबाइल भारत में ही थे, बने थे, मेड इन इंडिया थे। सिर्फ 2 मोबाइल इंपोर्ट होते थे बाहर से, वो आंकड़ा अब जीरो, अब 100% जितने भारत में मोबाइल बिक रहे हैं सारे मेड इन इंडिया। इसके अलावा मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। दोबारा से सुनिए फैक्ट, इसके अलावा मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। ऐसा अनुमान है कि इस साल भारत में 27 करोड़ से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन होगा, जिनमें से करीब 20% मोबाइल को निर्यात भी किया जाएगा। ठीक, अब आप सोचिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारत के लोगों के पास अपने मोबाइल नहीं है, मतलब वो मेड इन चाइना मोबाइल फोन यूज करते हैं,
जबकि हकीकत यह है कि आपके हाथ में इस समय जो मोबाइल हैंडसेट है, पूरी संभावना है वो मेड इन इंडिया ही होगा, क्योंकि 100% मेड इन इंडिया है। यानी हमारे देश में मोबाइल का इतना उत्पादन होता है, वो अपनी जरूरत के लिए तो पर्याप्त है ही, हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ऐसा इसलिए हो सका है क्योंकि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 2014 से 2022 तक मोबाइल निर्माण में हर साल 23% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, कंपाउंडिंग हर ईयर ईयरली 23%। हालांकि राहुल गांधी के दावे में थोड़ी सच्चाई हो सकती है, जो राहुल गांधी ने कहा मेड इन चाइना ज्यादा मोबाइल है, वो शायद हो सकता है सच्चाई हो, और शायद वो 2023 नहीं संभवता, शायद 2014 की बात कर रहे हो। जी हाँ, 2014 की बात शायद कर रहे हो, क्योंकि 2014 में स्थिति कुछ और थी। 2014 में भारत में 81% मोबाइल फोन चीन से आयात किए जाते थे, 81। अब 2023 में कितने हैं, आंकड़ा देख लीजिए आप, जीरो। 2014 में 81, 2023 में जीरो। ये हो सकता है 14 की बात कर रहे हो राहुल गांधी जी, तो शायद उनकी बातों में दम होगा, क्योंकि उस समय भारत में मोबाइल प्रोडक्शन सिर्फ 6 करोड़ के करीब था। 2014 से पहले भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्रियां थी, दो। आज 200 से भी अधिक मोबाइल की फैक्ट्रियां हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत से लोगों को भारत की ये उपलब्धियां नहीं दिखाई देती है, चाइना। भारत जो कर रहा है उसकी बात है, और क्योंकि अगर वो इन उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे तो उन्हें मोदी सरकार की तारीफ करनी होगी। आज आपको ये भी जानना चाहिए कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भी वर्ष 2017 से भारत में आईफोन का निर्माण शुरू कर दिया, सुन लीजिए। और इसी साल एप्पल कंपनी ने जो आईफोन 15 प्लस लॉन्च किया है वो मेड इन इंडिया है। इसके अलावा गूगल ने भी ऐलान किया कि वो अपना प्रीमियम कैटेगरी का फोन पिक्सल 8 भारत में बनाएगी। शाओमी भारत में बेचे जाने वाले अपने 99% फोन भारत में ही बनाती है, मेड इन इंडिया, जबकि ये चीन की कंपनी है। मेड इन इंडिया का पूरा सच छोटा सा देखा।